प्रोवाइड अस विद अनदर वीडियो। गाइस आज का वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, जैसे कि आप सबको पता ही है एक्शन कैमरा मैंने लिया है, तो मैं आज उसका अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ और इसमें आपको बता रहा हूँ उसे क्या क्या सिस्टम इसके अंदर आता है, कि इस कैमरे की कैसी क्वालिटी है, इस कैमरे को आप साथ में क्या क्या और देखने को हम सबको मिलता है। तो चलो अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहले बॉक्स है कुछ ऐसा, और बॉक्स में यहाँ पर स्क्रीन कोड लिखा हुआ है जिसके आप अपने वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हो अपने एंड्रॉयड मोबाइल से। तो काफ़ी अच्छा है ये दिया सिस्टम, अपने पूरा सिस्टम कैमरे का मोबाइल के अंदर आ जाता है और मोबाइल के अंदर से हम लोग पूरा कनेक्ट कर सकते हैं इस कैमरे को। ऊपर 4K और वाईफाई सब कुछ आप दिया, आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो कुछ ऐसा। इसको रखते हैं हम लोग साइड में ऐसे। फाइनली ये वाला कैमरा है, तो इसको बॉक्स धीरे से करेगा ओपन। इसके ऐसा है कुछ, तो इसको भी कर देते हैं साइड में। तो इसके अंदर हमने को देखने को मिल जाता है, एक है जो कैमरा और दूसरा है इसका माउंट वगैरह साथ में आता है। पता क्या, तो सबसे पहले हमको इसके सब बॉक्स हटा देते हैं और अंदर से निकलता है कुछ कैमरा इस प्रकार से। तो अभी इसको रख देते पहले साइड में, पहले इसके अंदर देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या है। उस बॉक्स के अंदर कुछ इतना सारा सामान मिल सकता है। सबसे पहले एक मिली हमको डायरी, पढ़ सकते हैं आप, स्क्रीन कोड भी दिया हुआ है उसको रखते साइड में। यहाँ पर कुछ दो स्टिकर दिया हुआ है कैमरे का, HJCAM, तो आप कहीं भी चिपका सकते हो इसको, इसको भी रखते साइड में। अभी आ चुके इसके माउंट, तो टोटल माउंट आए हैं हमारे पास 3 और 5 माउंट अलग अलग। यह माइंड है जो आप ट्राइपॉड के ऊपर कनेक्ट कर सकते हो इसको। ये वाला पता नहीं कहाँ पर, हेलमेट नहीं, बाइक के स्टैंड पर शायद होगा। ये वाला है हेलमेट के ऊपर लगाने का, ये भी हेलमेट का है, तो काफ़ी अच्छा लिया। और एक मिल जाती है USB केबल, जो शायद चार्जिंग के लिए होगी। यहाँ पर पिन आप देख सकते हो, सेम मोबाइल के लग दी वही है। USB भी कुछ ऐसी है, चलो अच्छी है। फाइनली इसको करते हैं साइड में और बढ़ते हैं अभी अपने मेन प्रोडक्ट कैमरे की तरफ। तो कैमरा कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है, और अभी ओपन किधर से होता है मेरे को पता नहीं है शायद, हाँ यहाँ पर कुछ लिखा है ओपन। ओके ऐसे होता है यार, हो गया। ओके ये वाटरप्रूफ कवर है इसका, तो काफ़ी अच्छा है ये सेफ्टी के लिए। और फाइनली ये वाला कैमरा है अपना, देख सकते हो। फाइनली इसको भी कुछ ज़्यादा इसके दिया हुआ नहीं है। इस पर एक तो चार्जिंग पिन लगती है, USB पिन लगती है छोटी वाली जो अपने ऑडियो के लिए कनेक्ट करते हैं, और एक लग दिया है मेमोरी जो कि 64 GB में इसके अंदर कनेक्ट कर सकती है, तो अच्छा है। अभी इसका चलो इधर से पावर बटन वहाँ पे इधर लगा हुआ है, और यहाँ पर एक बटन है और देख यहाँ पर, ठीक है। तो अभी पावर बटन को ऑन करते हैं। ओके सो फाइनली ओपन हो चुका है, थोड़ी सी आवाज़ भी आई इसके अंदर से। इसके कैमरा क्वालिटी गाइस काफ़ी अच्छी कैमरा क्वालिटी है इसकी, आप देख सकते हो इसके अंदर शायद आपको दिख रहा होगा। इसको मैं आपको कैमरे की क्वालिटी आप भी शेयर करके दिखा देता हूँ कि कैसी कैसी नहीं है। स्क्रीन पर स्क्रीन टच का भी डिस्प्ले नहीं है, तो इसकी सेटिंग से होता है शायद। ओके वीडियो रिकॉर्ड चालू हो चुका है, तो अभी इस कैमरे की रिकॉर्डिंग चालू है और आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार है। और इसको भी मैं बैक लेके जाता हूँ और अभी बोलता हूँ, हे गाइस वेलकम बैक पटेल द राइडर्स। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन बटन दबा देना, वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और हाँ गाइस लाइक कर देना, और ये कैमरा आपको कैसा, इसकी क्वालिटी कैसी लग रही है अभी, तो बता देना मेरे को एक बार कमेंट करके। ओके इतना काफ़ी है इसके लिए।
और गाइस इसका एक सिस्टम और है, इसके 30 सेकंड के बाद में स्क्रीन अपने आप बंद हो जाती है, वीडियो रिकॉर्ड चालू रहता है लेकिन स्क्रीन ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। वापस दूसरी बार बटन पे क्लिक करते हैं तभी वापस चालू रहती, नहीं तो नहीं रहती। अभी अपने स्टूडियो से बाहर जाके मैं आपको इस कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ कि इसकी रिकॉर्डिंग कैसी है और किस प्रकार से रिकॉर्ड होती है या नहीं होती, तो मैं पूरा दिखा देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो, अभी ये कैमरे की क्वालिटी, मैं इस एक्शन कैमरे से वीडियो को शूट कर रहा हूँ, पता नहीं इसकी क्वालिटी कैसी आ रही है, इसका आवाज़ कैसा है, इसकी वॉइस रिकॉर्ड कैसी हो रही है, मेरे को पता नहीं, क्योंकि अभी मैं बोया माइक यूज़ नहीं कर रहा हूँ, जिसका इसका ओरिजिनल माइक है वही, उसी से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और इसी से मैं आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है। तो पता नहीं कैसी है, कमेंट करके बताना कैसी आवाज़ है कैसी नहीं, मेरे को अभी पता नहीं, अभी सुनूंगा तो पता चलेगा। अभी मैं आपको कुछ और भी इसके सीन दिखा देता हूँ, ताकि बाहर के अलग के कैसे व्यूज आते कैसे नहीं आते तो सब देखते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है क्वालिटी इसकी। बाकी क्वालिटी की बात करें तो आप देख सकते हो, अभी पीछे सूरज है फिर भी कुछ इस प्रकार से आ रही है, और अभी सूरज के सामने कुछ ऐसे रहेंगे तो कुछ आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाता है, काफ़ी अच्छी है, बेटर है। तो इसके क्वालिटी की अगर बात की जाए तो क्वालिटी 16 मेगापिक्सल कैमरा है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। सो गाइज आई होप कि आज के वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन का बटन दबा देना, वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और हाँ गाइज, ये कैमरा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और भी किसी ने परचेज किया है नहीं किया देख लेना, मैंने लिंक दे दी गई डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो, इसके कैमरे की डिटेल जान सकते हो अगर आपको भी फ्यूचर में लेना हो तो। ये मैंने टेम्पररी लिया है, आगे जाके मैं शायद गोप्रो ही लूँगा, लगे अभी अभी छोटा यूट्यूबर उतना काफी मेरे लिए, तो ये लिया। वैसे क्वालिटी वगैरह अच्छी देखते हैं, और वैसे क्वालिटी मैंने सब देखी, बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी, तो परचेज कर सकते हो, और बहुत ही कम रेट में मेरे को मिल गया। ये मेरे मिल गया है 4,300 रुपये, अभी फिलहाल 4,600 रुपये कुछ रेट है इसकी, तो काफ़ी अच्छा है, विजिट कर सकते हो आप इसको। फाइनली इस वीडियो को इधर एंड करता हूँ, और बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय बाय।